अलैकुम व्यूवर्स आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर थ्री जो कि हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर टॉपिक्स देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स रीड करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर नेस्टेड लूप वाइल्ड वेंट लूप फॉर नेक्स्ट लूप प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स प्रोग्राम टू कैलकुलेट दी परसेंटेज एंड असाइन आ ग्रेड तो ये टॉपिक्स हैं जिनको आज हम रीड करेंगे सबसे पहले बात करते हैं डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर हाउ मेनी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल इन बेसिक डिस्कस ब्रीफली कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिक में कंट्रोल स्ट्रक्चर की कितनी टाइप्स हैं डिस्कस ब्रीफली वजाहत करें आ स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एक्जीक्यूशन इन आर प्रोग्राम इस कार कंट्रोल स्ट्रक्चर सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की कि एक ऐसे स्टेटमेंट जो कि प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती है इसे कंट्रोल स्ट्रक्चर कहा जाता है दी इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन आर स्पेसिफ़िक आर्डर वन आ प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड और जब प्रोग्राम को चलाया जाता है तो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एक तरतीब से चलती हैं इट इज़ कॉल्ड दी फ्लो ऑफ आ प्रोग्राम इसे प्रोग्राम का फ्लो कहा जाता है अब देखें अगर प्रोग्राम में स्टेटमेंट वन पहले लिखी और इस्टेटमेंट टू बाद में स्टेटमेंट थ्री उससे नीचे तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट चलेगी वो स्टेटमेंट वन चलेगी फिर स्टेटमेंट टू फिर स्टेटमेंट थ्री यानी सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में बेसिक लैंग्वेज प्रोवाइड्स फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अब बेसिक बेसिक लैंग्वेज में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की तीन टाइप्स हैं फर्स्ट सीक्वेंस सेकंड सिलेक्शन थर्ड लूप सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस की इन सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन आ प्रोग्राम नाम से पता चल रहा है सिक्वेंस स्ट्रक्चर तो इसमें क्या होगा यानी जिस तरतीब से प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी उसी तरतीब से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी यानी चलेंगी रन होंगी द कंट्रोल फ्लोस फ्राम वन स्टेटमेंट टू अदर इन अ लॉजिकल सीक्वेंस और एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद दूसरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा और दूसरी के बाद तीसरी यानी एक ही सीक्वेंस में ऑल स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली वंस और हर स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट होगी ये नहीं कि एक ही स्टेटमेंट को बार बार चलाता जाए बल्कि पहले स्टेटमेंट वन एक ही बार रन होगी फिर स्टेटमेंट टू और फिर स्टेटमेंट थ्री दी प्रोग्राम एंड ऑल दी स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटिड और हमारा जो प्रोग्राम है एंड हो जाएगा जब हमारी सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी दिस लाइन नंबर इज एग्जीक्यूट फर्स्ट जो सबसे छोटा लाइन नंबर है वो पहले एग्जीक्यूट होगा एंड दस्ट लाइन नंबर इज एग्जीक्यूट एट दु सबसे बड़ा लाइन नंबर होगा वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये की हमारे पास है, कि सबसे पहले स्टेटमेंट वन चलेगी स्टेटमेंट टू फिर स्टेटमेंट थ्री और स्टेटमेंट फोर और जैसे ही हमारे पास ये स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएंगी तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा नेक्स्ट सिलेक्शन की आ सिलेक्शन स्ट्रक्चर स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन कंडीशन सिलेक्शन स्ट्रक्चर में बेसिकली सिलेक्ट किया जाता है अब सिलेक्ट किस बेस पे किया जाता है स्टेटमेंट को कंडीशन की बेस पे कंडीशन यानी जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को कंडीशन फुलफिल करेगी यूज़र इसको देखते हुए उस स्टेटमेंट को ले लेगा उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए सिलेक्ट कर लेगा और सिलेक्शन तो बेसिकली तब भी की जाती है जब यूज़र के पास चॉइसेस एक से ज़्यादा हों इन दिस स्ट्रक्चर आ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड वेन अ पार्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू एंड इग्नोर वैन कंडीशन इज फॉल्स अब अगर कंडीशन फुलफिल कर रही है रिक्वायरमेंट को तो यूजर उस स्टेटमेंट को ले लेगा यानी ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन और इग्नोर कर देगा दूसरी स्टेटमेंट को अगर वो यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रही या फिर वो कंडीशन को फॉल्स कर रहा है डिफरेंट सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज इन बेसिक आर एस फॉलो यानी बेसिक में सिलेक्शन स्ट्रक्चर में यूज होने वाले डिफरेंट सिलेक्शन स्ट्रक्चर ये हैं इफ देन स्टेटमेंट और इफ देन एल्स स्टेटमेंट ये हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर हैं अब देखें यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है डायमंडल में ट्रू और फॉल्स यानी टी फॉर ट्रू एफ आर फॉल्स अब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सी चलेगी स्टेटमेंट नंबर वन और स्टेटमेंट टू इग्नोर हो जाएगी लेकिन अगर कंडीशन फाल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट टू चलेगी और स्टेटमेंट वन इग्नोर कर दी जाएगी यहाँ पे अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर यूजर यहाँ पे ऐड करता है कि स्टूडेंट को वो शो करवाए पास इफ मार्क्स ग्रेटर देन फोर्टी यहाँ पे हमने कंडीशन रखती इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन फोर्टी और स्टेटमेंट वन को सपोज कर लिया पास और स्टेटमेंट टू को सपोज कर लिया फेल अब अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन फोर्टी हैं तो वो स्टेटमेंट वन को चलाएगा यानी पास वाली को और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट टू को चलाएगा फेल और वो पास वाली को इग्नोर कर देगा अब चलते हैं लूप पर आ लूप स्ट्रक्चर इज़ यूज टू एक्सिक्यूट आ स्टेटमेंट और आ सेट आफ स्टेटमेंट्स रिपीटली बेसिकली लूफ स्टेटमेंट्स को रिपीटिशन में चलाने के लिए इस्तेमाल होता है यानि अगर यूजर एक प्रोग्राम लिखना चाह रहा है कि जिसमें सौ बार पाकिस्तान को प्रिंट करवाया जा रहा हो तो अब क्या यूज़र प्रोग्राम में बार बार एक ही स्टेटमेंट लिखता जाए प्रिंट पाकिस्तान प्रिंट पाकिस्तान प्रिंट पाकिस्तान इससे तो यूज़र का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा तो टाइम वेस्टेड से यूजर खुद को बचाने के लिए क्या यूज करेगा लूप यानी उस कंडीशन पर लूप लगा देगा जिसकी वजह से पाकिस्तान हंड्रेड टाइम्स प्रिंट हो जाएगा यानी एक ही बार कंडीशन लिखेगा पाकिस्तान की प्रिंट पाकिस्तान और उस पर लूप लगा देगा जिससे यूजर का टाइम जो है वेस्ट होने से बच जाएगा दीस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर आल्सो कॉल्ड रिपीटिशन स्ट्रक्चर अब कंट्रोल स्ट्रक्चर को रिपीटिशन स्ट्रक्चर भी कहा जाता है दीस कंट्रोल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट दी स्टेटमेंट फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स और ये स्टेटमेंट्स को उतनी बार प्रिंट करवाएगा जितनी बार यूजर प्रिंट करवाना चाह रहा है डिफरेंट लूप स्ट्रक्चर इन बेसिक लैंग्वेज फॉलो अब लूप स्ट्रक्चर की कौन कौन सी टाइप है इसमें आ जाएगा वाइल वैंड लूप और फॉर नेक्स्ट अब देखे यूजर ने ले ली कंडीशन ट्रू और फॉल्स की जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी स्टेटमेंट चलती रहेगी और ये एरो ऊपर मूव करता रहेगा जैसे ही कंडीशन फ़ॉल्स होगी तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा बेसिकली ये एरो जो ऊपर मूव कर रहा है ये लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नेस्टेड लूप प्राइड दी सिंटैक्स ऑफ फॉर नेक्स्ट लूप एंड व्हाइल वैन लूप एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स के नेस्टेड लूप को डिफाइन करें और सिंटैक्स लिखें फॉर नेक्स लूप के लिए और व्हाइल वैन लूप के लिए और इनको एग्जांपल्स के साथ वाजे करें अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप यानी लूप के अंदर जब लूप लगा दिया जाए इसे नेस्टेड लूप कहा जाता है इन नेस्टेड लूप्स द इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली विद ई चेंज इन द ऑफ काउंटर वेरिएबल ऑफ आउटर लूप यानी जब तक आउटर लूप ट्रू होता रहेगा तब तक इनर लूप भी कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा जैसे ही आउटर लूप फॉल्स हो जाएगा तो इनर लूप भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा यानी कि आउटर लूप की वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होने से इनर लूप पर इफेक्ट पड़ता है अब देखें ये एक प्रोग्राम है हमारे पास जिसमें नेस्टेड लूप को डिफाइन किया गया है सबसे पहले ले लिया सी एल एस जो कि हमारे पास क्लियर स्क्रीन की कमांड है जो स्क्रीन को क्लियर कर देगी फॉर आउटर आउटर की वैल्यू ले ली वन टू टू और इनर लूप के लिए हमने ले ली वैल्यू वन टू थ्री प्रिंट क्या करवाए आउटर लूप इज इक्वल टू कैपिटल आउटर और इनर लूप इज इक्वल टू कैपिटल इनर नेक्स्ट करे इनर को नेक्स्ट करे आउटर को और प्रोग्राम क्या कर जाए End. अब इसकी आउटपुट कैसे आएगी सबसे पहले वो आउटर लूप को देखेगा आउटर लूप की कंडीशन को चेक करेगा वन टू टू तो आउटर क्या रहेगा वन यानी फर्स्ट टाइम आउटर चलेगा तो वो इनर वाले पर मूव कर जाएगा अब इनर में जाके वन टू थ्री वैल्यू थी तो वन के लिए इनर को प्रिंट करवाएगा वन फिर आउटर वन रहेगा इनर चेंज हो जाएगा इनर टू हो जाएगा फिर आउटर वन रहेगा इनर थ्री हो जाएगा अब अगेन आउटर की वैल्यू टू तक थी तो आउटर टू ले ले लेगा और इनर को चेंज करता जाएगा यानी आउटर तीनों टाइम्स सेम रहेगा टू और इनर फर्स्ट टाइम में वन रहेगा सेकंड टाइम में सेकेंड और थर्ड टाइम में थर्ड यानी आउटर की वैल्यू टू ही रहेगी और इनर की चेंज होती जाएगी अब देखते हैं फॉर नेक्स्ट लूप इट इज यूज टू एक्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स यानी यूजर जितनी बार चाहे फॉर नेक्स्ट लूप को यूज करके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकता है दिस लूप इज मोर यूजफुल वेन

तो वेरिएबल में क्या वैल्यू रख देंगे फाइव तो इस तरह से ये किस पर डिपेंड करता है वेरिएबल की वैल्यू पर दिस वेरिएबल और काउंटर और कंट्रोल वेरिएबल इस तरह से इसे काउंटर वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल कहा जाता है क्योंकि ये उस कंडीशन को हैंडल कर रहा होता है यानी उस फाइव को हैंडल कर रहा है ये दी वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल इज चेंज अकॉर्डिंग टू दिफाइड वैल्यू और काउंटर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाती है दी लूप टर्मिनेट्स एन दाउंटर वेरिएबल रीच इट्स एंडिंग वैल्यू जो लूप है वो खत्म हो जाएगा जब काउंटर वेरिएबल की वैल्यू एंड हो जाएगी यानी फॉल्स हो जाएगी अब फॉर नेक्स्ट लूप का साइन देखते हैं कि हमने प्रोग्राम में फॉर नेक्स्ट लूप को कैसे लिखना है कैसे यूज करना है सबसे पहले लिखेंगे फॉर फिर वेरिएबल लिख लेंगे जो कि इक्वल होगा एक्स के एक्स टू वाई यानी वेरिएबल ले लिया जिसमें आप कंडीशन दे देंगे वन टू फाइव या जितनी भी यूज़र देना चाहे फिर नीचे स्टेटमेंट जो भी स्टेटमेंट आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं फिर नेक्स्ट की कमांड लिख देंगे एग्जाम्पल नीचे दी गई है जो कि आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा क्लियर स्क्रीन जो कि स्क्रीन को क्लियर करवा देगा फार का कीवर्ड यूज करके एन इज इक्वल टू वन टू फाइव यानी ऊपर आप चेक कर सकते हैं सेंटेक्स में एक्स टू वाई लिखा गया है तो यहाँ पे कंडीशन यूजर ने दे दी वन टू फाइव और प्रिंट क्या करवाए पाकिस्तान और फिर नेक्स्ट कर जाए एन यानी वेरिएबल में नेक्स्ट करता जाए वैल्यू को और प्रोग्राम क्या कर जाए एंड कर जाए अब एन इज इक्वल टू वन है तो के लिए को प्रिंट करवाएगा फिर नेक्स्ट एन यानी टू हो जाएगा टू के लिए पाकिस्तान पाकिस्तान प्रिंट हो गया है एक फर्स्ट टाइम के लिए फिर सेकंड टाइम के लिए फिर थर्ड फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ और हमारी कंडीशन फाइव की थी क्योंकि यूजर ने दी वेरिएबल को वैल्यू एन इज इक्वल टू वन टू फाइव इसलिए फाइव टाइम्स पाकिस्तान प्रिंट हुआ है अब बात करते हैं वाइल वैंड लूप की इट इज सिंपलेस्ट लूप ऑफ बेसिक लैंग्वेज यानी बेसिक लैंग्वेज का जो सबसे सिंपल लूप है वो वाइल्व वैंड लूप है

while-when लूप का सेंटेक्स देखेंगे सबसे पहले लिखा while का कीवर्ड फिर कंडीशन दे दी और फिर नीचे स्टेटमेंट्स जो स्टेटमेंट आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं और फिर लास्ट पे लिख दिया वैंड अब ये जो स्टेटमेंट्स है ना बेसिकली ये while-when लूप की बेसिकली बॉडी है ये जिसके अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं अब देखते हैं इसकी एग्जाम्पल क्लियर स्क्रीन एन इज इक्वल टू वन वैस इक्वल टू फाइव प्रिंट पाकिस्तान एन इज इक्वल टू एन प्लस करेगा वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए फिर वेड लिखा और फिर प्रोग्राम एंड एन इज इक्वल टू वन अब ये वायल में कंडीशन को चेक करेगा वन जो है वो लेस देन है या इक्वल है फाइव के कंडीशन ट्रू क्या प्रिंट करवाएगा पाकिस्तान फिर n is equal to n 1 यानी n में 1 पड़ा था 1 1 2 हो जाएगा अब n की वैल्यू अब हमारे पास 2 हो गई अब अगेन ये कंडीशन को चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हुई पाकिस्तान अगेन प्रिंट करवा दिया फिर इंक्रीमेंट करेगा अब n की वैल्यू 3 हो गई फिर 3 को चेक करेगा फिर 4 को चेक करेगा और फिर जब 5 को चेक करेगा 5 लेस देन इज इक्वल टू फाइव फाइव लेस नहीं है बट इक्वल है फाइव के तो कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी और प्रिंट कर देगा पाकिस्तान और फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा एंड में सिक्स तो सिक्स लेस देन इक्वल टू फाइव यहां पर हो गई कंडीशन फॉल्स और प्रोग्राम क्या हो जाएगा एंड और ये लूप की बॉडी से बाहर आकर प्रोग्राम को एंड कर दिया जाएगा और पाकिस्तान देखे फाइव टाइम्स प्रिंट हुआ है आप आउटपुट देख सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बिटवीन वाइल एंड फॉर लूप के फर्क बयान वाइल वैंड लूप और फॉर नेक्स्ट लूप के दरमियान विच वन इज बेटर इन अ सिचुएशन वेयर यू डोंट नो नंबर ऑफ आइट्रेशन पेर टू एग्जीक्यूशन ऑफ लूप और कौन सा वाला बेहतर रहेगा जब यूजर को नंबर ऑफ आइट्रेशन नहीं पता किसी भी लूप को एग्जीक्यूट करवाने के लिए या किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए तो अभी हमने स्टडी किया है कि फॉर नेक्स्ट लूप बेहतर है जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन पता हो पहले से ही और वाइल मैन लूप इस कंडीशन में बेहतर होगा जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन एडवांस में नहीं पता तो यही इनका जो मेन डिफरेंस है वो यही है एफ आनेक्स लूप एग्जीक्यूट स्टेटमेंट फॉर दी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स यानी ये स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स को देखते हुए स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा इट इज़ मोर यूजफुल व्हेन नंबर ऑफ आइट्रेशन आर ऑलरेडी नाउन और ये इस वक्त बेहतर होगा जब नंबर ऑफ आइट्रेशन यूजर को पहले से पता है वाइल्ड वैंड लूप एग्जीक्यूट आ स्टेटमेंट गिवन कंडीशन रिमेंस ट्रू और वायल लूप जो है कंडीशन के ट्रू रहने तक की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा इट इज़ यूजफुल व्हेन नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नॉट नॉन इन एडवांस और ये इस वक्त बेहतर है जब यूजर को नंबर ऑफ आइट्रेशन एडवांस में नहीं पता नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ आ ट्राइंगल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम लिखें द प्रोग्राम शुड गेट वैल्यूज फ्राम बेस एंड अल्टीट्यूड फ्राम यूजर और जो बेस और अल्टीट्यूड की वैल्यूज़ हैं वो यूज़र से ली जाएं एंड डिस्प्ले दी रिज़ल्ट और फिर रिज़ल्ट शो करवाया जाए हिंट हमें दे दिया गया है एरिया का फार्मूला जो है हमारे पास है वन बाई टू मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया क्लियर स्क्रीन की कमांड दी इनपुट में एंटर करवाया बेस नेक्स्ट इनपुट में एंटर करवाया एल्टीट्यूड एरिया का फार्मूला ऐड किया प्रिंट करवा दिया एरिया को और प्रोग्राम कर दिया एंड अब आप आउटपुट देख सकते हैं कि एंटर बेस के यूजर ने बेस एंटर करवाई और यूज़र जो है अपनी मर्जी से कुछ भी एंटर करवा सकता है तो यूजर ने एंटर करवाया टेन पॉइंट फाइव फिर एंटर एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड एंटर करवाया जो कि है यूज़र ने एंटर करवाया फाइव पॉइंट फोर अब वन डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय बेस यानी टेन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड जो कि है फाइव पॉइंट फोर जब ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आएगा एरिया का ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री फाइव इनपुट की कमांड बेसिकली यूज़र से डाटा को गेट करने के लिए यूज़ होता है और यूज़र जो है अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यूज़ एंटर करवा सकता है नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट टेन ऑड नंबर्स यूजिंग वाइल्व लूप वाइल्ड वैंड लूप को यूज करते हुए पहले दस ऑड नंबर्स प्रिंट करवाएं तो कैलकुलेट करेंगे हमारे जो फर्स्ट टेन ऑड नंबर्स है वो नाइनटीन तक बनेंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा एन इज़ इक्वल टू वन और लास्ट पॉइंट होगा नाइनटीन क्योंकि टेन जो ऑड नंबर्स हैं वो नाइनटीन तक बन रहे हैं कंडीशन दे दी एन Less than equal to 19, के जब तक एन जो है वो लेस या इक्वल नहीं होता के तब तक क्या प्रिंट करवाता रहे कितना करे टू का इंक्रीमेंट करे क्योंकि वन के बाद थ्री ऑड नंबर है तो इसलिए वन प्लस टू करेंगे तो हमारे पास थ्री बनेगा फिर थ्री प्लस टू फाइव फाइव एक ऑर्ड नंबर है इसलिए हमने क्या ले लिया एन इज इक्वल टू एन प्लस टू फिर वेन की कंडीशन दी और फिर प्रो, प्रोग्राम को कर दिया एंड जिससे आउटपुट आई हमारे पास वन थ्री और नाइनटीन तक जितने भी और नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स के दो नंबर्स दें और उनमें से लार्जेस्ट वाला फाइंड करने के लिए प्रोग्राम लिखें दी प्रोग्राम शुड गेट नंबर फ्रॉम यूज़र और इसमें भी सेम वही इन्होंने कंडीशन रखी है कि यू, यूजर से इनपुट को गेट किया जाए जो भी यूजर नंबर एंटर करवाएगा वो किस में सेव हो जाएगा वेरिएबल ए में फिर यूजर एंटर करवाएगा नंबर टू जो के कहा सेव होगा वेरिएबल बी में जाके इफ ए ग्रेटर देन बी अगर ए जो है वो ग्रेटर है बी के बी से यानी ग्रेटर हो गया ए तो प्रिंट क्या करवा दे ए बी और प्रोग्राम क्या हो जाए एंड अब आउटपुट देखते हैं कि यूजर ने क्या कहा एंटर फर्स्ट नंबर के फर्स्ट नंबर एंटर करो यूजर से कहा गया यूजर ने एंटर किया फाइव फिर इनपुट में एंटर सेकंड नंबर के सेकंड नंबर एंटर करो जो कि यूजर ने किया एंटर टेन अब यहाँ पे

उसका एक प्रोग्राम लिखें इट शुड दैन कैलकुलेट दी परसेंटेज एंड असाइन अ ग्रेड टू दी स्टूडेंट फिर इन मार्क्स का परसेंटेज निकालें और फिर स्टूडेंट को ग्रेड असाइन करें दी ग्रेड शुड भी असाइन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया और जो ग्रेड असाइन करना है वो फॉलोइंग क्राइटेरिया को देखते हुए असाइन करना है परसेंटेज हमें दे दिया गया और साथ उसका ग्रेड भी कि अगर मार्क्स जो हैं वो एटी एटी परसेंट है तो स्टूडेंट को ए वन ग्रेड असाइन किया जाए अगर मार्क्स जो हैं सेवेंटी के इक्वल हैं और एटी से लेस हैं तो ए ग्रेड असाइन कर दिया जाए अगर जो परसेंटेज है वो सिक्सटी सिक्सटी के इक्वल है और लेस है सेवेंटी से तो बी ग्रेड असाइन किया जाए और अगर परसेंटेज फिफ्टी के इक्वल है और सिक्सटी से कम है तो सी ग्रेड असाइन कर दिया जाए फोर्टी के इक्वल है परसेंटेज यहाँ फिफ्टी से कम है तो डी और अगर फोर्टी से लेस देन अ परसेंटेज तो ग्रेड एफ असाइन किया जाए स्टूडेंट को प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया सबसे पहले इनपुट करवाए मार्क्स मैथ के फिर इंग्लिश के देन उर्दू फिज़िक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर के टोटल मार्क्स लेने के लिए सब सब्जेक्ट्स के मार्क्स को कर दिया गया ऐड और फिर इनको सेव करवा लिया गया टोटल के वेरिएबल में परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज का फार्मूला अप्लाई किया टोटल को मल्टीप्लाई किया हंड्रेड से और डिवाइडेड बाय कर दिया सेवन हंड्रेड से नेक्स्ट हमने फॉलोइंग क्राइटेरिया अप्लाई किया और यूज़र को असाइन कर दिए ग्रेड्स यानी कि अगर परसेंटेज जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल है 80 के तो स्टूडेंट को कौन सा ग्रेड असाइन करें ए का नेक्स्ट हमने लिख दिया गो टू वन वन फिफ्टी वाली लाइन पर मूव कर जाए प्रिंट करवाए परसेंटेज और फिर ग्रेड और फिर प्रोग्राम क्या कर जाए एंड गो टू की कमांड बेसिकली स्पेसिफिक लाइन नंबर पर मूव करने के लिए यूज़ होती है यानी किसी भी स्टूडेंट को एक से ज़्यादा परसेंटेज और एक से ज़्यादा ग्रेड असाइन नहीं किया जा सकता इसीलिए जब स्टूडेंट को एक ग्रेड और परसेंटेज असाइन हो जाए तो वो वन फिफ्टी वाली लाइन पर मूव कर जाए और फिर प्रिंट करवाए परसेंटेज और ग्रेड और फिर प्रोग्राम क्या कर जाए एंड और नेक्स्ट देखिए कि अगर परसेंटेज जो है वो ग्रेटर है या इक्वल है सेवेंटी के तो ए ग्रेड प्रिंट करवाए और फिर वो मूव कर जाए वन फिफ्टी वाली लाइन पर जहाँ पर वो प्रिंट करवाए परसेंटेज और ग्रेड फिर अगर ग्रेटर देन है सिक्सटी से तो बी प्रिंट करवाए और फिर मूव कर जाए वन फिफ्टी वाली लाइन पर अगर ग्रेटर देन है परसेंटेज फिफ्टी से तो सी प्रिंट करवाए और फिर प्रिंट करवा दे परसेंटेज और ग्रेड अगर परसेंटेज जो है ग्रेटर देन है फोर्टी से तो डी प्रिंट करवाए वरना एफ प्रिंट करवा दे और प्रोग्राम में परसेंटेज और ग्रेड को प्रिंट करवा कर एंड कर दिया जाए अब इसकी आउटपुट देखते हैं कि स्टूडेंट ने एंटर करवाए मार्क्स मैथ के इंग्लिश के उर्दू के फिजिक्स के केमिस्ट्री के और कंप्यूटर के एट्टी मैथ्स के वन फिफ्टीन इंग्लिश के वन थर्टी उर्दू के एट्टी फाइव फ़िज़िक्स के सेवेंटी केमिस्ट्री के 95 फाइव कंप्यूटर के अब परसेंटेज निकालने के लिए इन सब मार्क्स को कर लिया गया ऐड, इनको मल्टीप्लाई किया गया हंड्रेड से और डिवाइडेड बाय सेवन हंड्रेड कर दिया गया जिससे परसेंटेज क्या आया स्टूडेंट का एटी टू पॉइंट वन फोर अब एटी टू वाली लाइन पर देखा गया कि क्राइटेरिया चेक किया गया कि अगर एटी से अभाव थे तो हमने स्टूडेंट को कौन सा ग्रेड असाइन करवाना है ए वन का इसको देखते हुए स्टूडेंट को ए वन ग्रेड असाइन करवाया गया और प्रोग्राम हो गया था एंड उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ क्या होगा थैंक यू